आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जय हिंद मंगलवार को गोहाना के गांव सरगथल में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां जनसभा का आयोजन गांव के सरपंच राममेहर सिंह व श्यामा पहलवान द्वारा कराया गया था। यहां उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए नवीन जय हिंद जहां आम आदमी पार्टी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को गिनवाया, तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए जेजेपी से गठबंधन के सवाल पर नवीन जय हिंद ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सभी दलों को एक साथ आगे आना चाहिए। भाजपा देश प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक पार्टी है। भाजपा ने प्रदेश में जातिवाद का बीज बोकर हमें तोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने सेना के नाम पर भी राजनीति की है। ऐसे में पार्टी को आने वाले समय में जनता को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र गहलावत, जोन अध्यक्ष जसबीर दहिया, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैप्पी लोहिया, हल्का अध्यक्ष सुनील जाजी, सत्यवान मुडलाना, बलविंद्र, नरेंद्र जुआ, मनोज भैंसवाल आदि मौजूद रहे। K9 मीडिया के लिए राजेंद्र कुमार के साथ अरुण दोहन की रिपोर्ट। कह रहे हैं जेजेपी के साथ बात चल रही है आपकी, कुछ गठबंधन की? भाई साहब, बात चल रही है, हमने तो सलाह दी है भाई, इस बीजेपी के खिलाफ सबने इकट्ठा होना पड़ेगा, ना सत्यानाश कर देगी हरियाणा का भी देश का। ये भी चौकीदार बने हंड है, ये बीजेपी के चोर ही चौकीदार है, मैं आपको बताऊँ, ये और कुछ नहीं है। कितना चौकीदार है भाई, रोजगार खा गए लोग, किसान ही फसल खा गए, पहाड़ खा गए, यो यमुना का रेतरा इसने खा गए, सारे सरकारी स्कूल आना खा गए, हॉस्पिटल आना खा गए, क्या ये चौकीदार है? ये तो ये देश का सत्यानाश कर रहे हैं, हमने तो सलाह दी है, मानना था भाई। सब इकट्ठा होने की बात आप कर रहे, तो कौन सी पार्टी प्रदेश की सभी इनेलो भी है और दूसरी पार्टी? मैं आज के दिन बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी है, वो इसलिए मानता हूँ मैं, आखिर ये पार्टी समाज को तोड़ती है और राजनीति से बड़ा भाईचारा आ रहे हैं, राजनीति कुछ ना होती है, हम तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ सत्यानाश कर। सर, आपके गढ़ में जो है वो बीजेपी अपना कंट्रोल रूम बना रही है लोकसभा सभी सीटें जीतने के लिए, तो किस तरह की टक्कर आप मानते हैं आप दे पाएंगे? भाई लोग आने झूठ बोलता ही बखाणता ही कंट्रोल रूम बनाने हैं, ये लोग के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर हो कितना सेना। भाई एक बात बताओ, जो पार्टी सेना का भी इस्तेमाल कर सकती है, जो पूरा देश बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर रहा था, ये बीजेपी वाले बूथ पर आए थे, क्यों भाई? राजनीति समझ को ना, बीजेपी वाले फौजिया की ड्रेस पैर पैर के फोटो खिंचवा खिंचवा कर रैली कर रहे थे, क्या मतलब है भाई, इनकी हिम्मत है के? जाओ ना बॉर्डर पर थोड़े दिन जाओ, ये देश का हर तरह से इस्तेमाल करेंगे भाई साहब, इसलिए हमने तो लोग आते समझाना है, ये लोग मान जाएंगे ठीक है उनका भला हो जाएगा, ठीक है भाई, ना मानेंगे भाई साहब नुकसान रहेगा। सर, केजरीवाल जी का ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने जो कहा था कि भाई जेजेपी और कांग्रेस को भी अगर साथ आना पड़े तो बेशक आ सकते हैं। भाई साहब हम इसलिए देश बचाना जरूरी है, बीजेपी से देश बचाना। सर, बीजेपी को हराना मकसद है, उसके लिए किसी कोई भी दल आए आपके साथ? भाई साहब मकसद की बात नहीं, देश बड़ा हो है ना, देश बचाना जरूरी है, समाज बड़ा हो है, समाज का नाश कर दे हम तो वो बात कहें। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।